Pakistan's most watching legal awareness YouTube channel. Hello friends and viewers, I hope all are fine. This is Mubashir Iqbal Chauhan, Advocate High Court and Legal Lecturer. ड्राफ्टिंग एंड क्लिनिक सीरीज के अंदर, पब्लिक अवेयरनेस सीरीज के अंदर आज हमारे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपको बताने के लिए, आपको समझाने के लिए, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, स्पेशली जो लोग क्राइम के अंदर इंटरेस्ट लेते हैं, क्रिमिनल लॉयर्स. क्राइम से मुराद जुर्म करना नहीं, क्रिमिनल लॉयर्स के तौर पर जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्रिमिनल लॉयर्स हैं या क्रिमिनल फील्ड के अंदर इंटरेस्ट लेते हैं, उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है, और जनरल पब्लिक के लिए तो है ही, चूँकि जो लॉ है वो सिर्फ लॉयर्स के लिए, लॉ स्टूडेंट्स के लिए नहीं होता, तमाम लोगों के लिए, जनरल पब्लिक के लिए भी होता है. हमारा आज का टॉपिक है कब्र कुशाई. क्या किसी शख्स की कब्र कुशाई करवाई जा सकती है या नहीं करवाई जा सकती, कब करवाई जा सकती है, कैसे करवाई जाएगी, इसका प्रोसीजर क्या होगा, किस जज साहब से हुक्म लिया जाएगा, या क्या मजिस्ट्रेट साहब करवा सकते हैं, या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से हुक्मनामा लेना पड़ेगा, कौन से मजिस्ट्रेट साहब करवा सकते हैं, किस जगह पर करवाई जा सकती है, लिखाई क्या होगी इसके अंदर, ड्राफ्टिंग इसकी कैसे होगी, हम किस तरह से इसको, इस एप्लीकेशन को मजिस्ट्रेट साहब के पास लेकर जाएंगे, इन तमाम चीज़ों को आज हम कंप्रीहेंसिवली डिस्कस करेंगे. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना भूलें, ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहे और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और टाइमली मिलते रहे. मेरे फेसबुक पेजेस और ग्रुप्स लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स इनोवेटिव लॉ एकेडमी के नाम से हमारे पेज हैं, ग्रुप्स हैं, उनको ज़रूर फॉलो कीजिए, सी फर्स्ट कर लें, वहाँ पर भी मैं इन्फॉर्मेटिव पोस्ट करता रहता हूँ. मेरे लेक्चर्स की फीस को फुलफिल करना बिल्कुल ना भूलें. मेरी फीस आपने तीन स्टेप के अंदर पे करनी है. फर्स्ट स्टेप कम से कम 10 रुपये डोनेट करने हैं, सेकेंड स्टेप कम से कम 2 लोगों की आपने हेल्प करनी है, थर्ड स्टेप मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए. शुरू करते हैं हमारा लेक्चर. दरख्वास्त बराए कब्र कुशाई. कब्र कुशाई की ज़रूरत कब पेश आती है, पहले थोड़ा सा इसका आपको एक केस बता दूँ. जनरली होता ये है कि कुछ घरों के अंदर लड़ाई होगी, लाइक अगर बहू की घर में लड़ाई होगी, बहू की डेथ होगी, बेटे की डेथ होगी, बेटी की डेथ होगी, ऐसी अमवात जो शक्को शुभात छोड़ जाएं कि हाउ इज़ इट पॉसिबल, जवान था, कुछ भी नहीं था, कैसे सडनली मर गया. तो कोई भी शख्स, ज़रूरी नहीं कि इफेक्टेड, क्रिमिनल केस के अंदर कोई भी शख्स किसी शख्स को इंसाफ दिलवाने के लिए ये एप्लीकेशन दे सकता है, किसी शक की बुनियाद पर या किसी भी और स्ट्रॉन्ग एविडेंस या विटनेस की बिहाफ के ऊपर. फॉर एग्जांपल, एक शख्स है, एक बहू है, एक औरत है, उसके घर में मर्डर हो जाता है, उसके जो मेके वाले हैं, जो उसके माँ बाप हैं, बहन भाई, वो जब जाते हैं ससुराल में, ससुराल वाले कहते हैं कि जी हार्ट अटैक हो गया इसको, या सडनली ठंडा गर्म हो गया, कुछ भी ऐसा बहाना लगा देंगे जिससे इसकी मौत वाकई होगी. लेकिन उसके और बहू का जो है वो तदफीन करके उसको दफना दिया, औरत को दफना दिया, लेकिन उसके माँ बाप सेटिस्फाइड नहीं हुए, या भाई सेटिस्फाइड नहीं हुए, या कोई और उसके अजीज़ और अक़ारिब सेटिस्फाइड नहीं हुए, या उसकी औरत की बॉडी के ऊपर कोई ऐसे निशानात, किसी ने नहलाते वक्त उसको निशानात देख लिया, ऐसे मोस्टली ऐसा होता है, बल्कि हमारे पास एक केस भी आया था वहाँ पर औरत की बॉडी पर कुछ ऐसे निशानात देखे गए, जब उन निशानात का जिक्र किसी डॉक्टर से किया, मशावरत की, तो डॉक्टर ने कहा कि ये निशान तशद्दुद की वजह से होते हैं, मारपीट की वजह से होते हैं. तो इवेंचुअली 6 माह बाद औरत की कब्र कुशाई, 7 माह बाद औरत की कब्र कुशाई करवाई गई थी. तो किसी भी सूरत में अगर कोई शख्स की अमवात मशकूक हो, डाउटेबल हो, तो आप उसकी कब्र कुशाई के लिए एप्लीकेशन दे सकते हो. अब औरत के माँ बाप, 3 माह 6 माह, इसकी डेट कोई फिक्स नहीं है कि जी आपने इतने अरसे में ही देनी है, इससे पहले ज़्यादा नहीं. हाँ, वेरी करता है कि सिचुएशन क्या है, किस तरह की कब्र कुशाई आप करवाना चाह रहे हो, क्या उस तरह के सैंपल भी अभी मौजूद होंगे या नहीं मौजूद होंगे, तो बस ये देखना ज़रूरी होता है. अदरवाइज़ इसकी कोई ऐसी फिक्स डेट नहीं कि जी आप इतने अरसे के बाद नहीं करवा सकते, तो एज सच ऐसी कोई इसकी लॉ के अंदर रिस्ट्रिक्शन नहीं है. तो लिहाजा कोई भी ऐसी मौत जो डाउटेबल हो, जिसके अंदर शक व शुभात हो, जिसके अंदर बताने वाला मुतमाइन ना हो, मुतमाइन ना कर पा रहा हो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को या किसी और अदर पर्सन, अदर रिलेटिव्स को, तो ऐसी सूरत में कब्र कुशाई की दरख्वास्त दी जा सकती है. कब्र कुशाई की दरख्वास्त कहाँ पर दी जा सकती है, जहाँ पर उस शख्स की कब्र होगी. एक बात याद रखिएगा, मोस्टली लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि जहाँ पर जिसकी मौत हुई है वो रहता है, या जिसने एप्लीकेशन देनी है जहाँ पर वो रहता है वहाँ पर वो एप्लीकेशन देगा, नो. या कुछ लोग समझ जाएंगे जी जिस शख्स की जिस जगह पर मौत हुई है, जिस जगह पर उसकी डेथ हुई है, उस जगह पर दी जाएगी, नो. कुछ लोग समझते हैं कि जी जो देने वाला है वो जहाँ पर है वहाँ पर दी जाएगी, नो. या कुछ समझते हैं कि जी अगर औरत है तो उसकी जिस इलाके में शादी हुई है वहाँ पर दी जाएगी, नो. बेसिकली कब्र कुशाई की एप्लीकेशन उस मजिस्ट्रेट साहब को दी जाएगी, उस इलाका मजिस्ट्रेट साहब को, उन इलाका मजिस्ट्रेट साहब को दी जाएगी जिसके इलाके में उस डेड बॉडी की ग्रेव है, कब्र है.
जिस इलाके में, जिस शहर में, जिस गांव में उस औरत की या किसी मर्द की कब्र है जिसकी कब्र कुशाई करवानी है और उसकी लाश से उसका री पोस्टमार्टम करवा के उसकी लाश से ये नमूना जात लेने हैं कि बेसिकली इसकी मौत हुई कैसे थी, तशद्दुद से, जहर से, क्या खिलाया गया था इसको, या इसने क्या खाया था, या किस वजह से इसको इसकी डेथ हुई है, इस चीज़ को जांचने के लिए जिस शख्स की कब्र कुशाई करवानी है, जिस शख्स की डेड बॉडी को निकलवाना है, वो जिस इलाके में है उस इलाके के इलाका मजिस्ट्रेट साहब, जो सीनियर मजिस्ट्रेट साहब होते हैं, उनको एप्लीकेशन देकर ही आप कब्र कुशाई करवा सकते हो। और सिर्फ ये मजिस्ट्रेट साहब से ही आप कब्र कुशाई करवा सकते हो। लॉ के अंदर स्पेशली डायरेक्टली वर्ड यूज़ किया गया है। तो कब्र कुशाई के लिए ये तो एक इसका फॉर्मूला था, इसका प्रोसीजर था। इसको लिखते कैसे हैं, क्या एप्लीकेशन के अंदर लिखा जाता है, इसको भी पढ़ते हैं। दरख्वास्त बराए कब्र कुशाई, कुशाई के लिए दरख्वास्त बाद आला जनाब इलाका मजिस्ट्रेट साहब दर्जा अव्वल लाहौर, सीनियर मजिस्ट्रेट साहब या दर्जा अव्वल मजिस्ट्रेट साहब लाहौर। नीचे आपने जो एप्लीकेशन दे रहा है वो अपना नाम लिखेगा, अपनी वल्दियत का नाम, अपनी ज़ात लिखेगा, सकना या रहायशी वो कहाँ पर है ये लिखेगा, बनाम सरकार। और अगर उस शख्स की FIR हुई थी जिसकी डेथ हुई है, उसकी अगर FIR हुई थी, मुकदमा चला था, तो उसका मुकदमा और FIR भी लिखेगा, बाद में चाहे सेटलमेंट होगी। अगर FIR नहीं हुई, मुकदमा नहीं चला, तो फिर मुकदमा लिखने की जरूरत नहीं, उस शख्स का नाम भी वहां पर लिख दिया जाएगा कि ये काफी है। नीचे दरख्वास्त जेरे दफा 176 सेक्शन 176 सब सेक्शन 2 फौजदारी यानी कि CRPC बाबत कब्र कुशाई, दरख्वास्त जेरे दफा सेक्शन 176 सब सेक्शन 2 जाबता फौजदारी बराए कबर कुशाई, कबर कुशाई के लिए 176 सब सेक्शन 2 के तहत, CRPC 176 सब सेक्शन 2 के तहत ये एप्लीकेशन फॉरवर्ड की जा रही है, मूव की जा रही है, एप्लीकेशन आपको दी जा रही है। उसके बाद जनाबे अली साहिल हसब जैल अर्ज परदास है। ये मैं आपको पहले स्टोरी बता दूं, ये हमारे पास जो स्टोरी है ये दो भाइयों की है। एक भाई की अचानक डेथ हो जाती है और दूसरा भाई उसके पास उसको मिलने के लिए जाता है, तो उसको पता चलता है कि उसके भाई की अचानक डेथ होगी और इलाका वालों ने उसको दफना दिया। ये कि हालात दरख्वास्त इस तरह है कि मैं जो एप्लीकेशन दे रहा है उसका जो भी नाम होगा फलां दिन को फलां डेट को अपने भाई, जो भी उसका नाम है, अपने भाई मैं ए जिसका नाम है ए, जो अपने भाई बी से मिलने के लिए फलां डेट को जाता है, लेकिन उसकी बीवी उसको बताती है कि जी बी की डेथ हो चुकी है, बी की डेथ हो चुकी है और किसी नामालूम के ख़िलाफ़ जहर का पर्चा भी हमने करवा दिया कि जी वो बाहर किसी अपने दोस्तों के साथ था और जब घर आया तो उसके मुँह से जहर निकल रहा था, पानी निकल रहा था, जिससे उसकी डेथ हो गई। इसकी ये उसकी बीवी ने हालात बताए अपने देवर को जो उसके शोहर का छोटा भाई था। दूसरी हेडिंग ये कि साहिल को दो दिन पहले ही पता चला कि मेरे भाई बी की अपनी बीवी और बेटे और बच्चों के साथ घर के अंदर लड़ाई झगड़ा हुआ था जायदाद के तनाजे पर, कि बेटे कहते थे कि जायदाद हमारे नाम पर मुंतकिल की जाए, बाप अभी इस बात पर राजी नहीं था, तो उनके घर में काफ़ी फसाद शोरगुल गोल गुपाड़ा भी हुआ, जो कि इलाका अहल मोहल्ला ने सुना भी अपने कानों से और देखा भी, और उन्होंने ही मुझे ये बताया और उनके सोर्स से ये इंफॉर्मेशन मेरे तक पहुंची। हेडिंग नंबर 3 ये कि मुझे यकीन है कि मेरे भाई बी की जो मौत की जिम्मेदार उसकी बीवी और बच्चे हैं, और बीवी और उसके बेटों ने मिलकर उसको जहर देकर मारा है। हेडिंग नंबर 4 चौथी हेडिंग ये कि मुतफी बी की कब्र कुशाई करवा के उसका पोस्टमार्टम करवाया जाए और कानूनी तकाजे पूरे करवाए जाएँ ताकि मौत की वजह बासानी सामने आ सके और पता चल सके जहर कितनी देर पहले कैसे किस नौयत का और कितना दिया गया, इन तमाम चीज़ों को और जहर देते हुए किस तरह के पैरामीटर्स को फुलफ़िल किया गया ताकि ये अंदाज़ा हो सके कि जहर देने वाला को अपना था या पराया, तो ये बहुत सारी चीज़ें सामने आ सकती हैं। आ जाती 5th हेडिंग ये कि अदालत हिजा को दरख्वास्त को समाप्त करने के सुनने के वसी तर इख्तियार हासिल हैं। 6th हेडिंग ये कि दरख्वास्त के साथ बयान हल्फी लफ है। अंदरीन हालात बाला नहायत अदब से इस्तदा है कि कब्र कुशाई की दरख्वास्त को मंजूर फरमाया जाए और कब्र कुशाई का हुक्म सादर फरमाया जाए ताकि मेरे भाई बी की मौत की असल वजह सामने आ सके। उसके नीचे मौके अल अर्ज, नीचे एप्लीकेशन लिखने वाले का नाम, उसके दस्तखत, नीचे बजरिया कौंसल, उसके दस्तखत मुबशर इकबाल चौहान एडवोकेट हाई कोर्ट ऑफिस सो एंड सो। उसके बाद हलफनामा जो कि अक्सर मैं आपको बताता हूँ, और देन आपने कोर्ट की दारी ब्रांच के अंदर इसको सबमिट करवा देना है, वहाँ से ये मजिस्ट्रेट साहब के पास मार्क हो जाएगा और वो इसकी समाप्त करेंगे, सुनेंगे। और कब्र कुशाई का अगर लगा कि ये केस वाकई ही मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, तो कब्र कुशाई का हुक्म सादर फरमाएंगे। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फायदेमंद साबित हुआ होगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर किया करें, वीडियोज़ के अंदर कॉमेंट्स जरूर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक मिल सके। दोबारा हाजिर होंगे एक नई सीरीज़ में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।